हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द फोर्थ डॉटर, रिटन बाय सुभद्रा सेन गुप्ता। ये स्टोरी शुरू होती है एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची से जिसका नाम है मिनी। और ये इस स्टोरी में फोर्थ गर्ल है, मतलब इसकी जो मम्मा है राधा, जिसका नाम है राधा, उसकी ये चौथी बेटी है। तो जब इनकी मदर को, राधा को, बेबी हुआ था, यानी मिनी हुई थी, तो इन्होंने मिनी को फीडिंग करवाने से मना कर दिया था और उसको बिल्कुल छूती नहीं थी, पसंद नहीं करती थी, क्योंकि ऑलरेडी इनकी तीन बेटी हो चुकी थी। जब मिनी हुई, जब मिनी ने बर्थ लिया, तब ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई। तो ये मिनी का कोई भी काम नहीं करती थी, इवन उसको फीडिंग करवाने से भी मना कर दिया। अब राधा के घर में एक मेड थी जिसका नाम था पार्वती। तो पार्वती के यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं था, तो पार्वती ने मिनी को एडॉप्ट कर लिया और पार्वती वहीं रहती थी एक गैरेज में। तो पार्वती ने मिनी को ले लिया, एडॉप्ट कर लिया और मिनी पार्वती के साथ ही रहने लगी। अब क्या होता है, जो राधा के तीन बच्चे पहले ही हो चुके थे, तीन डॉटर्स थी, यानी मिनी की जो बहनें थीं, वो स्कूल जाने लगी। वो बड़ी हो गई और वो स्कूल जाने लगी। मिनी भी अब बड़ी हो चुकी थी, अब उनको स्कूल डाला गया एक गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, उन लोग पढ़ते थे। अब मिनी उनको देखती थी तो पार्वती भी उनको देखती थी कि इनकी जो बहनें हैं वो सारी स्कूल जा रही हैं। सो पार्वती के अंदर भी आया और पार्वती ने मिनी को एजुकेशन देना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद पार्वती ने उसको एक गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया। अब यहाँ पर चारों बहनें एक साथ पढ़ने लगीं एक गवर्नमेंट स्कूल में। अब क्या होता है कि जो मिनी की रियल मम्मी थी राधा, उनको एक बेटा होता है। और जब वो बेटा होता है तो पूरा परिवार इतना खुश होता है, घर में पार्टी होती है, बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है। और जब वो बड़ा होता है तो उसको एक कॉन्वेंट स्कूल में उसका एडमिशन करवाते हैं और एक गाड़ी भी लगवाते हैं जिसके थ्रू वो जाता है आता है, मतलब उसको सारी चीज़ें दी जाती हैं क्योंकि वो लड़का है। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए और एजुकेशन भी उनकी फिनिश हो गई। बट मिनी के अंदर एक डिज़ायर था कि वो एक डॉक्टर की पढ़ाई करे। बट जो उसकी रियल मॉम थी वो बोलती थी, क्या ज़रूरत है इसको पढ़ाने की, इतना पढ़ गई काफ़ी है। बट पार्वती ने बोला, नहीं, अगर इसका डिज़ायर है तो मैं अपने दम पर मिनी को पढ़ाऊंगी। अब साथ ही साथ क्या होता है, मिनी का जो भाई था उसकी भी स्टडी फिनिश्ड हो जाती है और वो अल्कोहल में पड़ जाता है और लड़कियों के चक्कर में पड़ जाता है, जिसमें से एक लड़की उसको बहुत पसंद आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली की होती है। तो वो उस लड़की से शादी कर लेता है और घर जमाई बन जाता है। वो अपने परिवार को छोड़ देता है, लड़का अपने घर वालों को छोड़ देता है और लड़की के साथ उसके घर में रहने लगता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मिनी की जो तीन बहनें थीं, एक बहन की डेथ हो जाती है और बचती हैं दो बहनें। अब साथ ही साथ मिनी की जो मदर थी, रियल मदर थी, वो अकेले हो जाती हैं। रियल मदर और फादर अकेले हो जाते हैं क्योंकि टेक केयर करने के लिए कोई भी नहीं होता और उनका जो बेटा था वो तो चला गया, घर जमाई बन गया, इसलिए उनको टेक केयर करने के लिए कोई भी नहीं बचता। बट ये जो मिनी है अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई फिनिश करती है और दुनिया की सबसे फेमस डॉक्टर बन जाती है, जिसके कारण इनके जो स्टेप मॉम डैड थे, मतलब पार्वती और उनके जो हस्बैंड थे, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और साथ ही साथ इनकी जो रियल मदर थी, रियल फादर थे, वो भी खुश होते हैं। अब ये जो मिनी थी, ये दोनों परिवारों को टेक केयर करती थी, मतलब अपने सौतेले मॉम डैड को भी और अपने रियल मॉम डैड को भी। अब जब मिनी का बेबी होता है तो इनकी जो रियल मदर है, रियल फादर है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और स्टेप फादर मदर भी बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं और घर में बहुत बड़ा जश्न करते हैं। सो यहीं पे हम लोग की ये शॉर्ट स्टोरी फिनिश होती है। इस शॉर्ट स्टोरी में बताया है कि कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आई होप कि आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।